देख के 3 लाख रुपए तक के लोन किस सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी माफ करती है। सबसे पहले तो हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक और एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं, सबकी पॉलिसी अलग अलग है। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि इतने टाइम के बाद ये आपके लोन को राइट ऑफ कर देंगे। साथियों, किस सिनेरियो में बैंक राइट ऑफ करता है लोन को? सबसे पहले तो अगर आपको 1-2 ईएमआई डिफॉल्ट होगी तो कुछ एनबीएफसी कंपनी तो ऐसी हैं, वो सबसे पहले तो क्या करते हैं, कंप्यूटर को ऑटो रिमाइंडर पे लगा देते हैं। एक दिन में 5-5, 10-10, 15-15 बार फोन कंप्यूटर ही करता है, 50 मैसेज आते हैं, 25 मेल आती हैं, फिर इनके फोन आने शुरू हो जाते हैं। एक दिन में 25 आते हैं, 50 आते हैं, 125 भी आते हैं, अलग अलग स्टेट से अलग अलग आदमी आपके पास फोन करते हैं। साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव में लेते हैं। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, नहीं पैसे हैं तो आपका सिविल खराब कर देंगे, आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको अनसिक्योर लोन नहीं देगी। लेकिन अगर पैसे ही नहीं है तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, साक्षात शनिदेव भी धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ये 54 छाप तो शुद्ध ही कुछ नहीं है। फिर ये क्या करेंगे, आपके पास एक दिन में 100, 50, 125 तक कॉल करनी शुरू कर देंगे, खोपड़ा खराब कर देंगे, मानसिक संतुलन खराब कर देंगे, डिप्रेशन में डाल देंगे आदमी को। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ते हैं, पर्सनल मीटिंग करने के लिए आते हैं, उनको नींद नहीं आ रही है, नींद की गोलियां लेने के बाद भी नींद नहीं आ रही है, उनको ऐसी हालत कर दिया है। लाखों आदमी सुसाइड कर चुके हैं इन 54 छापों की वजह से। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी का आभास हो रहा है कि अमरदीप कादियान की वीडियो देख के लाखों आदमियों को अपने राइट्स पता लग गया, अधिकार पता लग गया, लाखों आदमी सुसाइड करने से बच चुके हैं। जब कोई हमारी वीडियो देखता है तो साथ के साथ उसकी काउंसलिंग होती रहती है। जब वो हमारी वीडियो देख लेते हैं, आज तक मुझे ऐसा कोई आदमी नहीं मिला टेलीफोनिकली हमारे साथ जुड़ो या पर्सनल मीटिंग करने के लिए आया हो जिसने हमारी सिर्फ एक वीडियो देखी हो। जो हमारी एक वीडियो देख ले वो 25, 50, 125, 200, 300 तक वीडियो देखता है, क्योंकि 1300 से भी ज्यादा हम वीडियो डाल चुके हैं लोन से रिलेटेड। अब ये 54 छाप घर पे आने शुरू हो जाते हैं, दुकान में, फैक्ट्री में, कारखाने में, परेशान और राज करते हैं, चिल्ला चिल्ली करते हैं, जानबूझ के आपके पड़ोस में जाके पूछेंगे अमरदीप कादियान का घर कौन सा है। अरे अमरदीप कादियान जब वहां रहे तो उनको तो पता ही होगा यार, और उनको जानबूझ के बताएंगे और आपके घर के बाहर आके चिल्ला चिल्ली करेंगे, फैक्ट्री के, मकान के, दुकान के, कारखाने के, या यहां तक भी मेरे देखने में आए लोगों के ड्राइंग रूम के अंदर आके बैठ जाते हैं और कहते हैं हम जाएंगे नहीं। भाई ऐसे किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करे, आपकी मानहानि करे, आपकी बेइज्जती करे, और ना ही किसी के पास ऐसे राइट्स हैं कि आपकी इजाजत के बिना आपके परिसर के अंदर, आपके स्कूटर, आपके मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने के अंदर वो आके आपकी इजाजत के बिना कोई आदमी उसके अंदर आए। साथियों, अगर कोई बैंक या एनबीएफसी कंपनी किसी एजेंट को भेजता है तो उसके ऊपर एक मास्टर गाइडलाइंस लागू है आरबीआई की, जो कि 54 छाप कभी फॉलो नहीं करते। सबसे पहले तो उससे उसका आई कार्ड मांगे, 99% आदमियों के पास आई कार्ड ही नहीं है। जब आई कार्ड ही नहीं है तो आपके घर की बेल भी नहीं बाहर से बजा सकता। अगर वो उसके पास आई कार्ड नहीं है तो आप उसको 9-2-11 कर दो, कहते भाग भीख मांगे आगे यहां से, क्योंकि इन 54 छापों की कोई सैलरी नहीं होती, ये भीख मंगे कमीशन पे काम करते हैं, बैंकिंग की भाषा में इसको इंसेंटिव बोलते हैं। 15 से लेके 35% तक इनको इंसेंटिव मिलता है, अलग अलग इनके स्लैब बने हुए हैं। ये ऐसे हैं जैसे लोग घरों में कुत्ते पाल लेते हैं या गली में कुत्ते को रोटी डाल देते हैं और वो कुत्ता फिर भोगता है उसी की साइड से, मालिक की साइड से, ये वही भीख मंगे लावारिस कुत्ते हैं। इनसे डरे घबराए नहीं, अपने आप को राइट्स पता है, अधिकार पता है, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। साथियों, अगर ये आई कार्ड भी लेके आ जाए, कह दे भाई मेरी लोन की स्टेटमेंट लेके आ, दिखा मेरे को कितने पैसे, मैं ऐसे वर्बली नहीं मानूंगा, तो ये 54 छाप समझ जाते हैं कि ये आपके काबू में नहीं आएगा और इनको अपने घर के अंदर एंट्री ना कर रहे। देख, किसी के पास ऐसे कोई राइट्स नहीं है कि आपके घर के अंदर वो आपकी इजाजत के बिना
एंट्री कर ले, वो सिर्फ बाहर से बेल बजा के पूछ सकता है कि ये आदमी है क्या नहीं है। और जब ये सारी प्रोसेसिंग कर लेते हैं, अब जिसके पास पैसे ही नहीं है तो वो देगा कहां से? तो ये बैंक, ये 54 छाप क्या करते हैं, 99% फेक नोटिस भेजते हैं लोगों के पास। जितने आपके पास नोटिस आ रहे हैं 99% उसमें से फेक है। खुद से ही वकील बन के फोन कर देते हैं, खुद से ही ये हाई कोर्ट के वकील बन के फोन करते हैं, 30,000 कोर्ट के वकील बन के फोन करते हैं, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर बन के फोन कर देते हैं, खुद से हाई कोर्ट के वकील बन के नोटिस इशू कर देते हैं, आजकल जज बन के भी नोटिस इशू करने लग गए हैं। 54 चौप जज साहब की भी फर्जी मोर लगाने लग गए हैं। इनसे डरे घबराए नहीं, आजकल सारे देश की कोर्ट ऑनलाइन हो चुकी है। अगर आपके पास कोई ऐसा नोटिस आ रहा है उसको आप ई कोर्ट लोड कर ले अपने फोन में, और ई कोर्ट लोड करके चेक कर ले, आपको पता लग जाएगा। जब यहां तक की भी प्रक्रिया एक अपना लेते हैं और 54 छापों के भी आप काबू में नहीं आते, आपने डिसेंट एडवाइस ले लिया, आपको सारे राइट्स और अधिकार पता लग गए, नोटिस का भी आपको पता लग गया है कि ये फेक है, फिर अगर 1.5-2 साल हो जाते हैं तो ये क्या करेंगे भाई? 3 महीने के बाद आपके लोन को ये एनपीए में डाल सकते हैं। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को अब फायदा नहीं दे रहा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा इनका एनपीए का रेशियो बढ़ता है तो ये खुद से भी नंगड़ हो जाएंगे, बैंक और एनबीएफसी कंपनी। अमरदीप का ध्यान बता रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, डूबने का क्या कारण है, बैंक का डूबने का क्या कारण है? वो कोई समुद्री जहाज था जो समुद्र के अंदर डूब गया। भाई सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर उसने 100 आदमियों को लोन दिया तो 126 आदमियों ने उसका वापिस ही नहीं दिया, 26% एनपी हो गया, यानी 26% आदमियों ने उसके पैसे नहीं दिए, 100 में से 26 आदमियों ने उसके पैसे नहीं दिए, तो वो खुद से नंगड़ हो गया और खुद से ही वो डूब गया, उसके ऊपर ताला लग गया। इसीलिए ये आम आदमी के छोटे मोटे लोन 2-2.5-3 लाख रुपए तक के इतनी जल्दी एनपीए में नहीं डालते। वैसे तो इनके पास राइट्स हैं, 10,000 रुपए के लोन को भी एनपीए में डाल सकते हैं, लेकिन डालते क्यों नहीं? क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। अगर ये ज्यादा छोटे छोटे लोनों को भी एनपीए में डालेंगे तो इनका एनपीए का रेशियो बढ़ जाएगा। अब जितने भी बैंक हैं उनके पास अपना पैसा तो है नहीं, लोगों का पैसा इकट्ठा करके लोगों को दे रहे हैं। जब किसी बैंक का एनपीए बढ़ता है या एनबीएफसी कंपनी का भी एनपीए बढ़ता है तो यह सभी शेयर बाजार में लिस्टेड है, इनका शेयर धड़ाम से नीचे गिरेगा, इनका शेयर चूहा बन जाएगा, तो इसलिए भी एनपीए को इतनी जल्दी नहीं बढ़ाते। दूसरा कारण और सबसे मेजर, भाई जब किसी का एनपीए बढ़ेगा बैंक का तो लोग आजकल बहुत शाणे हो गए हैं, वो वहां पे सेविंग अकाउंट निकलवाएंगे, करंट अकाउंट निकलवाएंगे, एफडी निकलवाएंगे, आरडी निकलवाएंगे, अन्य किसी तरह की बैंकिंग उसमें नहीं करेंगे। अगर पैसे भी होंगे वहां से जल्दी करके उस बैंक में से पैसे निकाल लेंगे, क्योंकि उसको पता है जैसे किसी बैंक का एनपीए बढ़ रहा है उसके डूबने के चांस ज्यादा हो रहे हैं। यही कारण है कि अब क्योंकि हमारे देश में एक कानून है आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपके किसी बैंक में 50 लाख रुपए पड़े हैं और भगवान ना करे वो बैंक डूब गया तो आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए मिलेंगे, 45 लाख रुपए आपके भी डूब जाएंगे। भले आपके 5 करोड़ पड़े हैं, मिलेंगे सिर्फ 5 लाख रुपए, 4,95,000 रुपए जीरो हो जाएंगे, वो डूब जाएंगे उस बैंक के साथ ही डूब जाएंगे। अब उसमें यह नहीं है कि अगर आपके पड़े 1.5 लाख रुपए हैं तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, 1.5 लाख पड़े हैं तो 1.5 लाख मिलेंगे, 5 लाख से ऊपर जितने पड़े हैं वो सारे जीरो हो जाएंगे, सिर्फ 5 लाख मिलेंगे। इसलिए लोग उस बैंक से बैंकिंग नहीं करते। अब उस बैंक को बड़े अच्छे से पता है भाई जो एनपीए बढ़ाएगा तो लोग ये यहां से पैसे निकालने शुरू कर देंगे, खुद से नंगड़ हो जाएगा, खुद से ताला लग जाएगा। अपने बचाव के लिए उस लोन को राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ का मतलब अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से उसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग उसको कहते हैं कि मेरा लोन माफ हो गया। बैंकिंग की भाषा में उसको माफ नहीं बोलते कभी भी, मेरे देखने में आया। फिर बैंक क्या करते हैं, उसको किसी अन्य छोटे बैंक या एनबीएफसी कंपनी को सेल कर देते हैं स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में,
और अपने जो अकाउंट जो इनका लेजर है उसको साफ सुथरा कर लेते हैं ताकि इनका एनपीए ना बढ़े, और उसको 10-15% में सेल कर देते हैं। जैसे आपके घर में कोई पुराना टीवी पड़ा है भाई, एलईडी का जमाना आ गया, वो दे दिया, वो चल भी रहा था, वो कबाड़ी के रेट में तो लेगा यार, वो 20,000 का ले रखे होगा तो 18,000 रुपए का थोड़ी लेगा वो कबाड़ी, उसको 1,000-1,500 रुपए में लेगा। बस ऐसे ही उसको कबाड़ी के लोन को उसको बेच देते हैं, और फिर वो जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी होता है वो आपको बढ़ा चढ़ा के उस 3-5 करके साइकोलॉजिकल प्रेस में लेके आपके साथ सेटलमेंट करता है। ये कारण है कि लोन माफ होता है, इस तरीके से लोन माफ होता है। अब लोग हमारे से पूछते हैं, बहुत से कमेंट आते हैं, लोग कहते हैं कि सर कैसे राइट ऑफ अपने लोन को करवाएं। भाई आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप खुद से अपने लोन को राइट ऑफ करवा ले। हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं, वो उनकी मर्जी है कि वो उसको राइट ऑफ करे या ना करें, लेकिन एवरेज 1.5-2 साल में अगर कोई पैसा नहीं देता अनसिक्योर लोन का तो राइट ऑफ हो जाता है, देखने में मेरे ये आया। अब सवाल आता है सिक्योर लोन राइट ऑफ किस कंडीशन में होता है। भाई अगर आपने कोई गाड़ी ली है, स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप ट्रक बस, मान लो आपने वो लोन पे लिया, भगवान ना करे उसकी 5-7 ईएमआई डिफॉल्ट होगी। अब जब आदमी की ईएमआई डिफॉल्ट होती है, फाइनेंशियल डाउन होने के बाद ही होती है, कोई भी आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जो जेब में पैसा होने के बाद भी किसी को ना देने की सोचे। अब जब आदमी फाइनेंशियल डाउन होता है, सबसे पहले वो इंश्योरेंस करवाना बंद कर देता है उस गाड़ी का। अब उस आदमी ने वो इंश्योरेंस नहीं करवाया, भगवान ना करे वो गाड़ी चोरी होगी। अब जब गाड़ी चोरी होगी तो उस आदमी को क्या समझ में आएगा, यार गाड़ी तो मैं यूज ही नहीं कर रहा, एक तो उससे पहले ही ईएमआई नहीं दी जा रही थी, अब वो बिल्कुल ही नहीं देगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, आदमी का दिमाग खोपड़ा ऐसे ही काम करता है कि जब हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप ट्रक बस को, जो कि हमने लोन पे ले रखी है, तो हमारे दिमाग में माइंड में एक बात आती है, भाई पैसे देने हैं भाई, क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूं। अब जब वो है ही नहीं, चोर चोरी करके ले गया, अब वो है तो फिर भी सिक्योर लोन, भाई पुलिस कोई जरूरी थोड़ी है वो पाई जाएगी, पुलिस अपनी रिपोर्ट बना के भेज देगी, भाई ये तो मिला ही नहीं। अब जब मिला ही नहीं, इंश्योरेंस उसका था नहीं, तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी को अब ये लगता है कि अब ये आदमी पैसे नहीं देगा। वैसे तो वो सिक्योर लोन है, लेकिन उसका नेचर जो है अनसिक्योर लोन की तरह हो गया। भाई अब उसके सामने वाले के दिमाग में आ गया कि भाई अब मैं पैसा नहीं है मेरे पास, ना मैं यूज कर रहा, मैं कहां से दूं या मैं नहीं दूंगा, यहां तक भी लोग सोचते हैं। इस सिनेरियो में सेटलमेंट करते हैं या उस सिक्योर लोन को राइट ऑफ करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसका इंश्योरेंस नहीं था गाड़ी का और उसका एक्सीडेंट हो गया, टोटल लॉस में चली गई, फिर भी इनका पैसा फंस जाता है, उस सिनेरियो में भी सेटलमेंट कर लेते हैं या उसको राइट ऑफ कर देते हैं। अदरवाइज बहुत से केस ऐसे भी होते हैं कि जो ओनर होता है जिसने लोन लिया उसकी डेथ हो जाती है, अब डेथ के बाद भी अगर ये आपको कह रहे हैं कि पैसे दो, भाई ऐसा कोई मैंने लोन ऐसा देखा नहीं जिसमें लोन सिक्योर ना करते हो, ऋण सुरक्षा ना करते हो। भाई जितने का ये लोन देते हैं उतने का उसको इंश्योरेंस कर देते हैं, हालांकि ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको करवाना ही करवाना है, पर ये ऑफिशियली ना बोल के अनऑफिशियली वर्बली उसको बोलते हैं कि भाई ये करवाना पड़ेगा नहीं तो हम देंगे नहीं। और बाद में 99% आदमियों को ये पॉलिसी देते ही नहीं, जैसे ही उसका हैप्पी बर्थडे होता है ये कहते हैं भाई इसकी तो इंश्योरेंस ही नहीं था, ये इनकी ठगी करने की लीगल स्कीम है। अगर आप हमारी वीडियो अभी जैसे देख रहे हैं, आपका कोई सिक्योर लोन है, आपका 100% इंश्योरेंस हुआ है, आप जल्दी करके अपनी पॉलिसी ले ले, नहीं तो भगवान ना करे कल को हैप्पी बर्थडे होगा तो आपके बच्चों को ये परेशान करेंगे ही करेंगे, 99% चांस है कि परेशान करेंगे। अगर किसी आदमी की डेथ हो गया और ये फिर भी कहते हैं कि भाई चल सेटलमेंट कर ले, क्यों कर ले भाई, तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, अगर मेरा बाप मर भी गया तो तेरे को क्या फर्क पड़ रहा, तू 50 लाख रुपए के 25 लाख रुपए क्यों ले रहा है, इट मीन्स इट शो के उस आदमी का इंश्योरेंस था, इसीलिए इस पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लें, इस सिनेरियो में लोन जो है आम जो आदमी है उसको कहता है कि भाई मेरा लोन माफ हो गया।
तो राइट ऑफ को इस मान्य बोलचाल की भाषा में लोग माफ करना बोलते हैं। इसके अलावा किसी भी सिनेरियो में लोन माफ नहीं होता। हाँ, कुछ लोन माफ होते हैं, लेकिन वो बैंक और एनबीएफसी कंपनी के नहीं होते, वो सोसाइटी के होते हैं। मेरे देखने में आया कि कुछ स्टेटों में जब इलेक्शन होता है तो वहां के जो राजनीतिक पार्टी हैं वो एक चुनाव घोषणा पत्र के अंदर ये घोषणा करते हैं कि हम जिम्मेदारों को इतने परसेंट तक लोन माफ कर देंगे, 50,000 रुपए तक ज्यादातर मैंने देखा है, और जब उनकी सरकार आ जाती है तो उसको माफ भी कर देते हैं, इसको माफ बोलते हैं। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है तो आप YouTube के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखे, आगे डिसेंट एडवाइस लिखे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा हमारी टीम के द्वारा नेक्स्ट मंथ एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। ये 5 जून संडे के दिन नेक्स्ट मंथ ये है TDI क्लब कुंडली के अंदर होएगा, जो कि दिल्ली के बिल्कुल निकट है। अगर आप उसको अटेंड करना चाहते हैं, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं, या हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, या पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का है। आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के तहत नोटिस आ रहा है, 13-2 का रहा है, 13-4 का रहा है, सिंबॉलिक पोजेशन का रहा है, फिजिकल पोजेशन का रहा है, या अन्य किसी भी तरह का नोटिस आ रहा है लोन से रिलेटेड, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो लेके सब मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या हमारे सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, समझ गए, जय ससुराल वालों की।